हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। ये सब सेलेनाइट हैं। ये सेलेनाइट के रिलेटेड बहुत सारे तरीका के सामान हैं। सो दिस इज मून। किसी को भी चंद्र ग्रह दोष है और वो डिप्रेशन में रहता है और मून की एनर्जीज ले नहीं पाते हैं और घर के अंदर रहना पसंद नहीं करते हैं और हमारा फैमिली मेम्बर्स तो बुरे लगते हैं और दूसरे लोग तो अच्छे लगते हैं, इस तरह के की डिप्रेशन की फीलिंग, सुसाइड की टेंडेंसीज और मून की वजह जो भी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स बैलेंस नहीं होता है और हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं और पौर्णमी और अमावस्या के टाइम में बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, उन लोगों के लिए कामिंग के लिए ये मून हम यूज़ करते हैं। उनके बेडरूम में प्लेस कर लीजिए और इसके साथ साथ हम 2-3 मरकबास और यूज़ करते हैं तो ये बहुत फ़ायदे देते हैं। ऐसा आप एक क्रिस्टल ग्रिड बना के आप रूम में रख सकते हो। जो भी स्प्लिट पर्सनालिटीज होते हैं और माइंड डिस्टर्ब रहते हैं और हर वक्त जो भी कोई भी कहते हैं वो नहीं होके दूसरा बात फिर उल्टा कहते रहते हैं, ऐसा जो भी डिस्टर्ब्ड लोग हैं उन लोगों के लिए ये सेलेनाइट मून यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली सेलेनाइट बहुत कामिंग स्टोन है और हमारा आग्ना चक्रा पे और सहस्रार चक्रा पे बहुत स्मूथ एंड एनर्जीज और एंजल्स की ब्लेसिंग्स और एंजल एनर्जीज जो हम इनवाइट करते हैं, फिर वो एनर्जीज हमको बहुत स्मूथ तरीका से हमको एनर्जीज ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेलेनाइट यूज होती है। एंड दीज आर छोटे छोटे सेलेनाइट बाउल्स हैं, इसके अंदर आप पानी डाल सकते हो और मॉर्निंग मीन्स 2-3 आवर्स रख के फिर उस पानी को आप फेस वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और आपकी पास जो भी ब्रासलेट्स हैं और ऐसे अंगूठे हैं फिर इसको इसके अंदर डाल के आप चार्ज कर सकते हैं अपनी क्रिस्टल को। जो भी और भी आपके पास क्रिस्टल्स हैं उसको चार्ज करना चाहते हो, इवन गोल्ड भी हो उसको नेगेटिविटी क्लीन करके चार्ज करना चाहते हो तो आप इस बाउल के अंदर डाल के रख सकते हो। एंड आपके पास कुछ भी विश हैं सो वो विशेस भी आप इस बाउल के अंदर डाल के फिर इसको कवर करके ऐसे प्लेट से कवर करके इसको रख सकते हो। आपकी कुछ भी कीमती चीज़ है, फिर वो पेन है आप एग्ज़ाम लिखने के लिए जा रहे हो या कोई गोल्ड कॉइन है आपके पास या कोई आप विश कर रहे हो, उन चीज़ों को भी आप लिख के इस एक पेपर में इसके अंदर डाल दीजिए और इसको क्लोज करके रख लीजिए। ओके, इसके ऊपर 3-4 मरकबास को आप प्लेस कर लीजिए। सो ये बहुत बढ़िया ग्रिड बनती है और हाई एनर्जीज लेते हैं और आपकी हर विश पूरी होने के लिए जो भी लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए वो एनर्जीज को वो ले सकती हैं। आप जो भी ऑर्नामेंट्स भी जो यूज़ करते हो और बच्चे कभी जो भी ऑर्नामेंट्स यूज़ होता है और आप इवन टैबलेट्स यूज़ कर रहे हो और आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो आप ऐसा इस बाउल के अंदर डाल के आप रख सकते हैं। आपके कई सामान कई तरीका के आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो ए बाउल, इसके अंदर भी आप पानी डाल के रख सकते हैं और आपके क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये क्रिस्टल से के अंदर जो भी आपने पानी डाल के 2-3 आवर्स छोड़ दिया है फिर अगेन वो वाटर को आप वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए, फ्रूट्स को क्लीन करने के लिए भी, अपने क्रिस्टल्स को क्लीन करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो और नहाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो और ऐसा ही अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करने भी यूज़ कर सकते हो। बाद में आप इसको ऐसा कवर भी कर सकते हो ये सेलेनाइट प्लेट्स के थ्रू। और ये सेलेनाइट प्लेट के ऊपर आपकी वाटर बॉटल या ग्लास आप रख के उसके अंदर पानी भी चार्ज कर सकते हो। ऐसी बाउल्स में आप फ्रूट्स वगैरह रख के उस फ्रूट्स को भी आप चार्ज कर सकते हो, इसकी सेल्स के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन कर सकते हो, पेस्टिसाइड इफेक्ट को भी क्लीन कर सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स अवेलेबल, स्टार शेप में है, मून शेप में है, राउंड में है। ओके, सो ये डिफरेंट शेप्स हैं और इसको हम ऐसा प्लेट्स के थ्रू हम कवर कर सकते हैं और मरकबा रख के इसके अंदर और एनर्जी बढ़ा सकते हैं। ये एक्चुअली कुछ विशेस हैं हम पेपर में लिख के इसके अंदर डालते हैं, ये बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है और इवन आपकी बिजनेस की कंपनी की नेम्स वगैरह भी लिख के इसके अंदर रख सकते हो।
और किसी से भी आपको नेगेटिव एनर्जीज रिसीव हो रही है उसको कट करने के लिए भी उनकी नेम्स भी आप लिख के रख सकते हो. एंड दिस इज अ सेवन चक्रा प्लेट, सेलेनाइट की सेवन चक्रा प्लेट है. इसके ऊपर आप पिरामिड्स मरकबास को रख के फिर आपके चक्रास के अंदर जो बिलीफ सिस्टम है उनको क्लियर करने के लिए आप यूज कर सकते हो. ओके, सो ऐसा आप इस ये एक टूल है, दिस इज लाइक ए क्रिस्टल ग्रिड. इस ग्रिड को आप यूज कर सकते हो और ये मेडिटेशन करते वक्त आपके साइड में रखने से बहुत हायर एनर्जीज आते हैं और आपकी चक्रा के अंदर लेयर्स क्लीन करने के लिए ये टूल बहुत यूज होते हैं. एंड दीज आर टंबल्स, दीज आर सेलेनाइट टंबल्स. ये एक्चुअली हम पानी में डाल के फिर वो पानी से नहाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और आपके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल्स को चार्ज करने के भी आप डाल सकते हो और आपकी फ्रूट बास्केट में भी चार टंबल्स डाल सकते हैं और आपकी वेजिटेबल्स के बास्केट में भी आप चार पांच टंबल्स डाल सकते हैं और आपके कपड़ों के अंदर जैसे हम फिनाइल की गोली रखते हैं उसकी जगह हम ये सेलेनाइट क्रिस्टल को रखते हैं तो वहाँ एनर्जी बढ़ती रहेगी और क्लीनिंग प्रोसेस होती रहती है. सेलेनाइट का मतलब ही ये है क्लीनिंग है और सेल क्लीनिंग है और एंजल एनर्जीज को इनवाइट करना है. और कहीं भी सेलेनाइट है वो इंसान को कामिंग एनर्जीज, कूलिंग एनर्जीज और हैप्पी एनर्जीज सप्लाई करती रहती है और अपने सहस्रारा और आग्ना चक्रा के अंदर एक वाइट लाइट को हमेशा ट्रांसफ़र करवाती हैं ताकि इंसान गुस्से में और कन्फ्यूजन में और कोई मतलब की बात भी नहीं सुनता है, मीन्स कुछ बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशंस कुछ काम हो गया सडनली तो भी वो लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होके कूल एनर्जी से ही रहते हैं. ये सेलेनाइट सोप स्टोन बोलते हैं इसको और कैम्पशोन्स टाइप की हैं, ये दोनों तरफ एक जैसे ही रहती हैं. जो ओरिजिनल सेलेनाइट की एक खासियत है आपको एक शीन दिखाई देती है. आप इस सेलेनाइट को पॉकेट में भी रख सकते हो फिर हमेशा कूलिंग एंड कामिंग एनर्जीज के लिए आपकी कार वगैरह में प्लेस कर सकते हो इस सेलेनाइट को और आपकी ऑफिस टेबल वगैरह और आपके सिराने के पास भी आप रख सकते हैं फिर कूलिंग एंड कामिंग एनर्जीज के लिए.